हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। ट्वीन्स प्रेगनेंसी के दौरान पूरी प्रेगनेंसी पेट के निचले हिस्से में हल्का पुल्का दर्द होना बिल्कुल नॉर्मल होता है और ये आपकी पूरी प्रेगनेंसी लगा ही रहता है। इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, लेकिन आप याद रखें, दर्द हल्का पुल्का होता है, ना कि बहुत ज्यादा। ट्वीन्स प्रेगनेंसी की अलग अलग तिमाही में पेट के निचले हिस्से में दर्द होने के अलग अलग रीजन होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्वीन्स प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में। तो पहली तिमाही में क्या होता है कि जैसे ही आपकी ट्वीन्स प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिस वजह से भी आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। एंड इसके अलावा आपको पहली तिमाही में बहुत ज्यादा उल्टी होना, महक लगना, चक्कर आना, ये सारी समस्याएं होती हैं। कुछ खाने का मन ना करना, जिस वजह से आप कुछ भी अच्छे से नहीं खा पाती हैं। एंड आप पानी वगैरह भी प्रॉपर नहीं ले पाती हैं, जिस वजह से आपको कब्ज की शिकायत भी हो जाती है, जिस वजह से भी आपको दर्द हो सकता है। एंड इसके अलावा ट्वीन्स प्रेगनेंसी के दौरान आपकी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेज हो जाता है, जिस वजह से भी आपको हल्का पुल्का दर्द होता है। बट आप याद रखें कि अगर आपको ट्वीन्स प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में बहुत तेजी से दर्द होता है एंड असहनीय दर्द होता है, और साथ ही अगर ब्लड के स्पॉट या फिर ब्लडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि ये आपके गर्भपात होने का साइन होता है। ट्वीन्स प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में गर्भपात होना बहुत ही नॉर्मल होता है, इसलिए आपको ऐसे में बिल्कुल देरी नहीं करनी है। अगर आपकी ट्वीन्स प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मतलब आपकी जो प्रेगनेंसी है वो यूट्रस में ना होकर के फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाती है, तो जिस वजह से भी आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल पेट में दर्द रहता है एंड आपके स्पॉट भी आने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, तो इसलिए आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर मिलें। तो अब हम बात करते हैं ट्वीन्स प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में। ट्वीन्स प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही लगते ही आपके यूट्रस का साइज तेजी से बढ़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि आपके जो बेबी होते हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, जिस वजह से यूट्रस के पास में जो लिगामेंट्स होते हैं उन पर भी बहुत ज्यादा खिंचाव पड़ता है, जिस वजह से आपको पेल्विस हिस्से पर बहुत ज्यादा दबाव एंड आपको दर्द उठने, बैठने, चलने, हर काम करने में स्टार्ट हो जाता है, महसूस होना, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। बट याद रखें, दर्द ऐसा होता है जो कि आप बर्दाश्त कर लेती हैं, ना कि ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा होता है, आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। एंड इसके अलावा दूसरी तिमाही में आपको गैस और कब्ज की शिकायत होना भी बिल्कुल नॉर्मल होती है, जिस वजह से भी आपको दर्द बिल्कुल हो सकता है। और अगर आप कोई भी काम बहुत देर तक बैठ के करती हैं या फिर खड़े होके करती हैं या फिर अपने आप को बहुत ज्यादा थकाती हैं, और अगर आप दूसरी तिमाही में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती हैं और बिल्कुल भी आराम नहीं करती हैं, तो इस वजह से भी आपको पेट में दर्द हो सकता है। याद रखें, आपको दूसरी तिमाही में बहुत ज्यादा देर तक कोई काम नहीं करना है, आपको दिन में 2 घंटे रिलैक्स जरूर करना है, ताकि आपको दर्द में राहत जरूर मिले। और आप कोई भी काम करें तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा करें, एकदम से इकट्ठा ना करें, और अगर आप टहलती भी हैं तो एकदम से लगातार ना टहलें, इससे भी आपके पेट के निचले हिस्से में बिल्कुल दर्द हो सकता है। आप थोड़ी थोड़ी देर टहलें एंड बीच में रिलैक्स जरूर करें। अगर आपको ट्वीन्स प्रेगनेंसी के दौरान प्रीक्लैम्प्सिया की शिकायत हो जाती है, प्रीक्लैम्प्सिया बोला जाता है जिसमें आपका हाई ब्लड प्रेशर रहने लगता है एंड आपकी यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और प्रीक्लैम्प्सिया होने पर बच्चे तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और ब्लड नहीं पहुंच पाता है, और ऐसा होने पर आपको सिर में बहुत तेजी से दर्द एंड आपके पेट में बहुत तेजी से दर्द, और आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है एंड आपको अचानक से सूजन भी आ जाएगी। तो अगर आपको ऐसे लक्षण दिखें तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। और अगर आपको ट्वीन्स प्रेगनेंसी के दौरान अपेंडिसाइटिस हो जाती है, जो कि एक बहुत ही गंभीर स्थिति होती है, और इसके जो लक्षण होते हैं, आपके अंदर भूख की कमी होने लगती है एंड आपके पेट में दर्द होने लगता है, इतली भी होने लगती है। इसके अलावा दूसरी तिमाही में अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, और अगर आपको दर्द के साथ यूरिन पास करते समय जलन होती है या फिर प्राइवेट पार्ट में कोई भी खुजली वगैरह होती है, बुखार आ जाता है, बहुत जल्दी जल्दी आप यूरिन जाती हैं, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलें। यूरिन इन्फेक्शन होना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही नॉर्मल होता है, क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस का साइज बढ़ता है तो आपके यूरिन ब्लैडर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगता है, जिस वजह से आपको यूरिन पास नहीं हो पाती है और आपको यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाता है।
और इसके अलावा अगर आप यूरिन होल्ड करके रखती हैं दूसरी तिमाही में, तब भी आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। और अगर आपके गर्भाशय में कोई गांठ हो जाती है या फिर पहले से होती है, तब भी आपको पेट के निचले हिस्से में बिल्कुल दर्द हो सकता है। अब हम बात करते हैं ट्विन्स प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में। तो तीसरी तिमाही में बहुत सारे रीजन होते हैं दर्द होने के। सबसे पहला रीजन, जैसे ही आपकी तीसरी तिमाही लगती है तो आपको कॉन्ट्रेक्शन आना शुरू हो जाते हैं, जिनको झूठे लेबर पेन बोला जाता है। ये आपकी बॉडी को डिलीवरी के लिए तैयार करना स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइप का जो दर्द होता है वो आपको 30 सेकंड के लिए एकदम से आता है, उसके बाद में अपने आप ही चला जाता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। एंड इसके अलावा आपको जो है तीसरी तिमाही में भी गैस और कब्ज की बहुत ज्यादा शिकायत हो सकती है, जिस वजह से भी आपके पेट के निचले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। तीसरी तिमाही में एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको 37 वीक से पहले एकदम से दर्द स्टार्ट हो जाता है एंड लगातार दर्द होने लगता है, या फिर जल्दी जल्दी दर्द आता है और साथ ही में आपको वाइट डिस्चार्ज या फिर आपको ब्लीडिंग या फिर आपको ब्लड के स्पॉट आते हैं, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास पहुंचे। ये आपके प्रीटर्म डिलीवरी के साइन होते हैं, क्योंकि ट्विन्स प्रेगनेंसी में प्रीटर्म डिलीवरी होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी देरी ना करें। और तीसरी तिमाही में आपको उठते, बैठते, लेटते, सोते समय, करवट लेते समय थोड़ा ज्यादा ही दर्द हो सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसमें आप बिल्कुल भी ना घबराएं। बस याद रखें, आपको दर्द अगर बहुत तेज होता है या फिर असहनीय होता है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर के पास जाएं। अब हम आपको कुछ उपाय बताते हैं जिनको आप बिल्कुल फॉलो कर सकती हैं। सबसे पहली बात कि आपको पानी बहुत ही अच्छी मात्रा में पीना है, कम से कम 8 से 10 गिलास जरूर पिए, जिससे कि आपको कब्ज की समस्या में काफी ज्यादा राहत मिले। इसके अलावा आपको कब्ज में राहत पाने के लिए फाइबर रिच फूड्स का सेवन जरूर करना है, जिसमें आप ताजी सब्जियां और ताजे फलों का सेवन जरूर करें, इससे आपको काफी राहत मिलेगी। एंड इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत देर जरूर टहलना है, इससे आपके पेल्विक एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, इससे भी आपको दर्द में राहत मिलेगी। और अगर आपको दर्द होता है तो आप उस समय थोड़ा बहुत आराम जरूर करें, इससे भी आपको काफी राहत मिलेगी। और आप अपनी डाइट में साबुत अनाज, खीरा, बीन्स, टमाटर, हरी सब्जियों को बढ़ा दें, इससे भी आपको राहत मिलेगी। और आपको प्रेगनेंसी के दौरान चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक का सेवन बहुत ही कम करना है। और इसके अलावा आप अपने पेट के निचले हिस्से में हल्की हल्की हाथों से मालिश जरूर कर सकती हैं, इससे भी आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। अगर आपकी ट्विन्स प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी है तो पूरी प्रेगनेंसी थोड़ा बहुत दर्द, ऐंठन, मरोड़ होना, ये सब नॉर्मल होता है, लेकिन आपको पेट में दर्द होने पर डॉक्टर से मिलना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप ये पता कर सके कि आपके जो दर्द हो रहा है वो नॉर्मल है या फिर किसी भी प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है। तो इसलिए आप डॉक्टर को दिखाने में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अगर आपको डॉक्टर कोई भी दिक्कत नहीं बताते हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।